जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर अरफान और आज हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो नावल लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने और ये पब्लिश हुआ है 1861 में, इसके अबाउट इसकी समरी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, ये जो मुकम्मल स्टोरी है ना, ये एक यतीम बच्चा है जिसका नाम है पिप। ये आप देखें, ये पिप इसका नाम है और ये एक यतीम बच्चा है जो कि अपनी बहन के पास रहता है, अपनी सिस्टर के पास रहता है और सिस्टर उसके नाम है मिसेस जो, मिसेस जो है और इस सिस्टर के हस्बैंड है वो मिस्टर जो है। पिप जो है वो अपनी बहन मिसेस जो के पास रहता है। अच्छा, मिसेस जो जो है ना वो एक एंथाइस्टिक लेडी है, वो उसका हमेशा पिप के साथ जो रवैया बड़ा गुस्से वाला होता है, हमेशा इसे डांटती है, पीटती है। ये जो है ना, ये पिप की सिस्टर है ना, इसे हमेशा इसके साथ इसका बिहेव सही नहीं होता। हालांकि ये इसकी क्या कहते हैं हम सखी सिस्टर है, लेकिन फिर भी ये इसके साथ सतीलों वाला सलूक करती है। जबकि दूसरी तरफ जो है ना मिस्टर जो, ये एक अनथाई अच्छा इंसान है जो हालांकि पिप का बहन का हस्बैंड है, लेकिन पिप के साथ वो दोस्तों की तरह रहता है। इसके बाद आता है बात, क्या मैटर होता है कि पिप एक दिन अपनी बहन से नाराज़ होकर, घर से नाराज़ होकर करीब के कब्रस्तान में चला जाता है और वहाँ जाके अपने जो उसकी वालदैन है ना उनकी कब्र पर जाके बैठ जाता है। उसी दौरान एक कैदी भागा हुआ आता है जेल से, उसे हथकड़ी लगी हुई होती है, ठीक है। उसका नाम है मिस्टर बैगविच, मिस्टर बैगविच वहाँ पे आ जाता है जो कि कैदी है जेल से भागा हुआ। वो पिप को आके डराता है कि तुम ऐसा करो, अपने घर से मेरे लिए खाना लेके आओ, ठीक है। और पिप से पूछता है तुम क्या करते हैं, पिप उसे कहता है कि मैं लोहार हूँ और उसे जो मैगविच उसे कहता है कि तुम ना ऐसा करो, फाइल लेकर आओ, यानी कोई ऐसा औजार लेकर आओ जिससे मेरी ये हथकड़ियाँ टूट सकें। पिप घर जाता है, अपने घर से खाना लाता है और वो जो औजार होते हैं हथकड़ी तोड़ने वाले जो उसे लगी हुई थी वो लेके आता है। ये जो मैगविच है खाना खाता है और वो औजार जो उसे लगी होती है जिससे ये अरेस्ट किया होता है, जिससे वो तोड़ता है। इसी दौरान पुलिस दोबारा आ जाती है, उससे अरेस्ट कर लेती है, मैगविच को ले जाती है। लेकिन मैगविच कहता है रुको रुको भैयो, थोड़ी देर रुको, मैं इस लड़के को पिप को थैंक यू कह लूँ। ये पिप को थैंक यू कहता है और उसे मैगविच को पुलिस ले जाती है। इसका पिप जो है वो वापस घर आ जाता है। इसी दौरान मिस्टर जो जो होता है ना, इसकी सिस्टर का, जो पिप की सिस्टर का हस्बैंड है, वो क्या करता है जी, वो अपने दोस्त किसी दोस्त को कहता है कि पिप को मिसेज हैविशम के घर छोड़ा है, जो मिसेज हैविशम है इसके घर छोड़ा है। जो मिस्टर हैविशम है ये हमेशा रेड कलर का सूट पहने रखती है, ठीक है। इसके साथ ये सीन हुआ है, अच्छा सॉरी ये बात बता दूँ कि जो मिस्टर जो का दोस्त है ना वो पिप को इसके घर छोड़ जाता है, मिस्टर हैविशम के घर छोड़ जाता है, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर खेले कूदे, ठीक है। मिस्टर हैविशम के घर एक लड़की रहती है, इसका नाम तो है स्टेला, ठीक है। ये इस नावल की हीरोइन है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन की हीरोइन है स्टीला। अच्छा, जो हैविशम हमेशा मैंने बताया था रेड कलर का सूट पहने रखती है क्योंकि इसकी शादी की रात जो इसका था ना, वो क्या कहते हैं जिससे इसकी शादी होने वाली थी, वो इसके छोड़ कर चला जाता है, इसके साथ बेवफाई करता है, ये तब से बड़ी दुखी है। इसने इसी हिसाब से स्टीला को पाला है कि स्टीला को इतने इतना जहरीला कर दिया है ना कि ये अब किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करती, ये एक गुस्सेली लड़की है। यह हैविशम ने इसके अंदर नफरत पैदा कर दिया मर्दों के बोट के, जो जितने मर्द हैं दुनिया में वो बेवफा हैं, धोखे देते हैं और तुमने भी सबके साथ चीट करना है। अच्छा, जब पिप जिन के घर रहता है ना, वो स्टीला उसकी हम एज होती है, उसे देखता है, ये एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत लड़की होती है, ये इससे प्यार करने लग जाता है। लेकिन होता क्या है, स्टीला हमेशा इसके साथ नफरत करती है और वो पिप को प्यार नहीं करती। पिप के अंदर अब एक एक्सपेक्टेशन पैदा होती है कि वो स्टीला जो है ना, ये वाली स्टीला जो है, इससे ना वो अमीर आदमी बनेगा और इससे शादी करेगा। लेकिन हैविशम जो है एक तरफ तो पिप को कहती है शाबाश तुम कोई मसला नहीं, अगर तुमसे नफरत भी करते तुमसे प्यार करते रहो, और दूसरी तरफ स्टीला को कहती है कि ऑलवेज हेट हिम, कि हमेशा तुमसे नफरत करो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर हैविशम क्या करती है जी, पिप को वापस भेजती है मिस्टर जो के पास ताकि वो अपने जाके वापस काम कर सके, वो जो लोहार का काम होता है ना वहाँ जाके काम कर सके, मजदूर बन सके। वापसी पे जो पिप जो होता है वो एक लड़की होती है, उसकी हमसाई कह लें या उसकी निबर कह लें, वो उसके बिड्डी उसका नाम है, बिड्डी के पास पढ़ता है। बिड्डी इसकी लाइक करती है पिप को, उससे प्रपोज करती है, लेकिन पिप जो है था बिड्डी से ना शादी करता है ना प्यार करता है, लेकिन बिड्डी इसकी हमेशा हेल्प करती है। ये बिड्डी का भी एक की रोल है, इम्पोर्टेड है, ठीक है जी। आगे चले जाते हैं,
इसी दौरान एक ना मिस्टर जो के पास एक आदमी काम करता है, उसका नाम है ऑर्लिक। ये एक साइको पर्सन है, ये हमेशा गुस्से में रहता है। और एक दिन क्या करता है जी, पता नहीं, एक ये जो है ना पिप की सिस्टर मिसेस जो, इसके सर पे वो चीज़ मार देता है। अच्छा, जिससे उसकी सुनना वो सुनना सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती। लेकिन वो इशारे से पिप को बताती है कि मुझे ना ऑर्लिक ने ही मारा है रात को अंधेरे में। और जो जो होता है वो ऑर्लिक को काम से निकाल लेता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, इसी दौरान पिप जब सिस्टर के पास रहता है और जो के पास रहता है, बीडी उसकी हेल्प करते हैं। और इसी दौरान एक वकील आता है जिसका नाम है, लॉयर होता है जैगर। जैगर क्या करता है जी, जैगर जो होता है ना वो एक पिप को कहता है कि किसी ने ना ये आपका ये जुम्मा लिया है कि आप आपकी जो क्लेम के अखराज पूरे किए जाएंगे, आप पर आला क्लेम हासिल कर सकते हो। अच्छा जी, मिस्टर जैगर जो होता है ना जी, वो पिप को खर्चे देता है कि कोई ऐसा शख्स है जो आपको जानता नहीं है लेकिन आपकी क्लेम हासिल करने के लिए आपको पैसे देगा। पिप सोचता है कि शायद ये मिसेज हैविशम हो जो उसका खर्चा उठा रही हो और उसे क्लेम हासिल करवाने के लिए। अच्छा, पिप मैकवेज से पैसे लेकर लंदन चला जाता है। लंदन जाके वहाँ वो तलीम हासिल करता है, पढ़ता है। वहाँ जाके उसे दो दोस्त मिलते हैं, एक होता है हर्बर्ट होता है जो मैथ्यू पोकट का टीचर होता है। मैथ्यू पोकट कौन है? मैथ्यू पोकट जो है जी टीचर है किसका? पिप का टीचर है मैथ्यू पोकट। और ये जो हर्बर्ट है, ये हर्बर्ट जो है मैथ्यू का बेटा है। और हर्बर्ट जो है पिप का क्या है? दोस्त है। दूसरा दोस्त उससे मिलता है, उसका नाम है वेमिक। दो दोस्त मिलते हैं पिप को, एक होता है जी हैबर्ट और दूसरा होता है वेमिक। वेमिक जो होता है ये क्लर्क होता है, और ये क्लर्क किसका होता है? जैगर का क्लर्क होता है। ठीक है, अच्छा, ये उनके साथ पिप जो वहाँ जाके याशियाँ करता है, मज़े से ज़िंदगी इंजॉय करता है उधर लंदन में जाके। और पीछे सब जो को, अपनी बहन को, अपने प्यार स्टेला को भूल जाता है और वहाँ पर याशी करता है, याशी वाली लाइफ अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। इसी दौरान पिप को पता चलता है कि जी उसकी बहन की डेथ हो गई है और वो वापस आ जाता है। अच्छा, जब वो वापस आता है, वापस आने के बाद फिर वो दोबारा लंदन चला जाता है। जाने के बाद पिप वहाँ याशियाँ इतनी करता है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ा हो जाता है। ठीक है, कर्ज़ा होने के बाद जब वो वहाँ पे गलत काम करता है, मिस्टर जो वहाँ पे जाता है, जो कि उसका बहुत अच्छा एक फ्रेंड है, जो जाकर उसको सारे कर्ज़े उतार देता है और उसे वापस ले आता है। कहाँ पे? वो उसी गांव में, उसे गांव में वापस ले आता है। मिस्टर जो जो होता है वो जब पिप आके देखता है कि मिस्टर जो ने दोबारा बीडी से शादी कर ली है। ठीक है, और इस तरह जो पिप है वो बीडी से भी हाथ धो बैठता है। और इसी दौरान वो एस्टेला के पास जाता है। एस्टेला जो है जी एक लड़के से शादी कर लेती है जिसका नाम है ड्रम्बल मोले। ड्रम्बल मोले से एस्टेला शादी कर लेती है। ठीक है, और इस तरह जो पिप की एक्सपेक्टेशन है वो टूट जाती है। पिप दोबारा फिर लंदन चला जाता है अपने दोस्तों के पास, हैबर्ट और मैथ्यू के पास। वहाँ जाके क्या करता है जी, वो उसे पता चलता है कि जो एक जंगी कैदी था ना जिसका नाम था जी मैकविच, कि मुझे जो सारा खर्चा था ना वो मैकविच उससे मिलता है ना वहाँ लंदन में दोबारा जाकर, कि मेरा सारा खर्चा मैकविच पे करता था, तो उसके दिल में मैकविच के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। ठीक हो गया, मैकवेज के लिए क्या पैदा होती है? हमदर्दी। और वो मैकवेज के साथ अच्छा सलूक करता है और कहता है कि मैं मैकवेज को बचाना चाहता है। असल में जो इधर है ना हैविशम का जो पहले जिसे शादी के रात जो लड़का छोड़ के चला गया था वो था कैम्पसन, उसका नाम था कैम्पसन, सीओ कैम्पसन। कैम्पसन और मैकवेज दोनों आपस में दोस्त थे, कैम्पसन और मैकवेज। और ये दोनों पहले वो क्या करते थे, चोरियां करते थे, फ्रॉड करते थे, लेकिन कैम्पसन ने उसे मैकवेज को फंसा दिया और ख़ुद निकल गया। अब जो है जी पिप है वो मैकवेज की हेल्प करना चाहता है, वो लंदन पुलिस उसके पीछे लगी हुई है मैकवेज के, वो वहाँ से उसे भगाना चाहता है। इसी दौरान कैम्पसन जो है वो मैकवेज को फंसाना चाहता है कि वो उसे पुलिस अरेस्ट कर ले। कैम्पसन जो है वो मैकवेज के पीछे लगा है, पिप अपने दोस्तों के हैबर्ट और वेमिक की मदद के ज़रिए इन्हें बचाना चाहता है। मैकवेज जो है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जो कैम्पसन है वो समंदर में डूब के मर जाता है। पिप वापस आता है अपने कोई 11 साल बाद, वहाँ से लंदन से वापस आता है अपने हैबर्ट और वेमिक दोस्तों के पास वापस आता है। तो वो 11 साल बाद वापस आता है तो वो एक अच्छा वो क्या कहते हैं मर्चेंट बन जाता है। और जब आके वापस देखता है तो जो उसकी लवर होती है ना एस्टेला,
स्टेला शादी किससे करती है? ड्रमल से। स्टेला शादी करती है ड्रमल से, लेकिन ड्रमल होता है एक रिच पर्सन है, वो हमेशा स्टेला को मारता है, पीटता है और उसके साथ अच्छा सलूक बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, इस एक तरह एक दिन क्या होता है कि जी जो ड्रमल है वो घोड़े पर जा रहा था कहीं और वो गिर के इस पर डेथ हो जाती है, और जो स्टेला है वो अभी बिल्कुल विडो है, उसके पास अकेली रहती है। पिप आके दोबारा स्टेला के पास आता है 11 साल बाद, जब वो एक अच्छा ताजर बन के मर्चेंट बन के वापस आता है। स्टेला से पूछती है क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तो पिप फौरन कहता है जी मैं अब भी आपसे प्यार करता हूँ। ठीक हो गया, ये इसकी हैप्पी एंडिंग थी। और इस दौरान पिप और जो थे पिप और स्टेला दोनों बाज़ार में जा रहे हैं, उसने दोनों यानी एक बाग में जा रहे हैं, पिप ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी हैंडिंग हो जाती है। और इसी दौरान पिक ये जो है जी जो और बिडी दोनों शादी कर लेते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इनका भी एक बच्चा रहता है। ठीक है, अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।